शुगर और इस तरह के दायमी मरीज अफराद के लिए क्या रोजे के बारे में क्या हुक्म है, जबकि रोजा रखकर उनकी हालत गैर हो जाती है? कुछ लोग कहते हैं अगर रोजे की हालत में मर गए तो सीधे जन्नत में जाएंगे, क्या रोजे की हालत में मरने वाले का हिसाब किताब नहीं होगा? रोजे की हालत में आदमी तकलीफ में हो और फिर वो ना खोले और मर जाए ना, डायरेक्ट दोजख में जाता सीधा, जरा रुकावट नहीं आती। और जो कहते हैं ना इसके मुंह में पानी ना डालो रोजा, बेवकूफ लोग, खुदकुशी करानी है उससे। तकलीफ हो तो फौरन खोल दे, नहीं खोलेगा मुजरम हो, क्यों उसने अपने आप को हलाक किया। इसलिए जन्नत की बजाय ना जहन्नम का इंतजार करे और छोड़ जाना चाहिए, फौरन छोड़। और शुगर के दायमी मरीज जो लोग बीमार हैं शदीद, ऐसा मर्ज जो दायमी मर्ज है उसके बारे में क्या? दायमी जो है ना मर्ज वाले, इन्हें चाहिए डॉक्टरों से मशवरा करें, जो दीनदार डॉक्टर हैं उनसे पूछें कि अगर तो नुकसान होने का अंदेशा कि बहुत बढ़ जाएगी फिर करें, वरना थोड़ी बहुत तो तकलीफ है ना बर्दाश्त भी करें, इस तरह हिम्मत ना हारें। अक्सर औरतें रोजा बहलाने की खातर हजरत अबू तला अंसारी जो थे ना, हजरत अनस के वालिद हैं, दूसरे हजरत सलाम के वालिद, ये जिहाद में हजूर के जमाने में और खुलफा के लगे रहे, मगर बाद में इन्होंने सोचा कि यार हम जिहादों में लगे रहे, अब जिहाद करने वाले बहुत हो गए, मुझे ये कमी पूरी करनी, तो देखने 30 साल उन्होंने फिर रोजे नहीं छोड़े, 30 साल बुढ़ापे में रोजे रहे सिवाय हराम दिनों के, 5 दिन हराम में, 2 ईदें और 3 दिन बड़ी ईद के बाद अयाम में जो है तशरीक रोज। और फिर वक्त आया कि एक दिन कुरान ही पढ़ रहे थे, ईमान ताज़ा करने के लिए हम पढ़ते हैं ना, हम तो हिम्मतें हार गए, कोई नहीं हमारा इस्लाम, बुढ़ापे में जब एक आयत पढ़ी है फिर वो खिताब हो उसका कि तुम हल्के हो या भारी हो अल्लाह के रास्ते में, जिहाद की आयत आई तो पढ़ने से काम उतरा, यार इस आयत ने तो अब उठा दिया कि बेशक तुम बूढ़े हो या हल्के हो या भारी, निकलो घर वालों से कहा मेरा सामान तैयार कर, उन्होंने बतेरा कहा कि अल्लाह ने माफी, उन्होंने कहा नहीं ये आयत टिकने लिए चले गए, बहरी सफर था जहाज में सवार हो गए, फिर वहाँ ही मौत आ गई, और फिर 6 दिन जहाज चलता रहा कश्ती, फिर साथ ही रखा इनको किनारे पर जाकर फिरना, जब कश्ती किनारे पर गई फिर दफन किया मुजाहिदीन ने, और इमाम बुखारी रहमत लिखने के उन्होंने इतने दिनों तक भी लाश में मामूली कोई रद्दो बदल नहीं, कोई तगैर नहीं आया, ना वो फूली ना बदबू, कुछ नहीं हुई अल्लाह के रास्ते। तो ये बेटा ईमान की बातें हैं, हम बातें करते हैं मगर बातें, हमारे पास वो ना ईमान है ना दीन है, इसलिए कोई बहाना बनाता है कि कोई